चिट्टीगंग हिल ट्रक्स में रहने वाले सभी आदिवासी समुदाय के इतिहास सबसे पुराना है एवं वहां पर रहने वाले सभी आदिवासी समुदाय बांग्लादेश के चिट्टीगंग हिल ट्रक्स में सबसे पहले बसने वाले लोग थे। चिट्टीगंग हिल ट्रक्स के लोगों ने अपनी विशेष पहचान की रक्षा एवं संरक्षण के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। उदाहरण के लिए चिट्टीगंग हिल ट्रक्स में रहने वाले चकमा समुदाय के लोगों ने मुगलों एवं ब्रिटिश लोगों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। इस सन 1892 में अंग्रेजों ने चिट्टीगंग हिल ट्रक्स के प्रशासन के लिए एक नियम जारी किए। इस कानून के अनुसार चिट्टीगंग हिल ट्रक्स को चार भागों में विभाजित किया गया था, जैसे आरक्षित वन क्षेत्र, भूमंग सर्कल, चकमा सर्कल और मंग सर्कल। सन 1990 में अंग्रेजों ने जुम्मा समुदाय की संस्कृति और भूमि की रक्षा करने के लिए चिट्टीगंग हिल ट्रक्स मैनुअल नामक एक कानून पारित किया। 1935 में चिट्टीगंग मैनुअल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया और चिट्टीगंग हिल ट्रक्स को विशेष दर्जा दिया गया, जिसके अनुसार आदिवासी लोगों को अपनी भूमि का बिक्री एवं हस्तांतरण गैर आदिवासियों से अपने भूमि बेचना वर्जित था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तानी संविधान में एक संशोधन के तहत ऐसी विशेष दर्जा और प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप बंगाली वासियों को बड़े पैमाने पर चिट्टीगंग में बचाया गया। राज्य प्रायोजित एवं संवैधानिक रूप से भूमि और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा 1957 में पाकिस्तानी सरकार ने चिट्टीगंग हिल ट्रक्स के आदिवासी लोगों के सहमति के बिना कप्ताई डैम का निर्माण शुरू किया। निर्माण का प्रारंभिक चरण में 1962 में पूरा हुआ। इस बांध के कारण 40% खेती योग्य भूमि पानी के नीचे बह गया और 1,00,000 से अधिक आदिवासी लोग अपने घर से बेघर हो गए, जिसमें से 70% लोग चकमा समुदाय से संबंध रखते थे। उसमें से लगभग 40,000 लोग भारत में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हुए। 1964 के बाद पाकिस्तानी सरकार ने चिट्टीगंग हिल ट्रक्स में बंगालियों को पुनर्वास करना शुरू कर दिया। आदिवासी समुदाय खेती करने वालों की आजीविका पर इस प्रकार बिगड़ गए और परिणाम स्वरूप पहाड़ी लोगों का पहचान, संस्कृति और आशंकाओं में मतभेद शुरू हुआ। खेती योग्य भूमि और जनसंख्या की कमी के लिए गैर आदिवासी लोगों को बड़ी संख्या में चिट्टीगंग हिल ट्रक्स में स्थानांतरित किया गया। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना। जुम्मा लोगों की हालत अपरिवर्तन एवं दयनीय बनी रही। 1971 में बांग्लादेश के एक समरूप बंगाली राष्ट्रवाद उभरा, जिसके अनुसार बांग्लादेश के नागरिकों को बंगाली के रूप में परिभाषित किया गया। बांग्लादेश के संविधान, जिसमें आधिकारिक रूप से बंगाली संस्कृति की प्रधानता बनाई और बांग्लादेश में रहने वाले गैर मुस्लिम जनजाति समूह एवं आदिवासियों का मान्यता नहीं दी। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि आदिवासी लोग वो बंगाली संस्कृति और पहचान को अपनाना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में बंगाली को जबरन बचाने और स्थानीय लोगों को अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक में बदलने का धमकी दिया। चिट्टीगंग हिल ट्रक्स के सभी लोग कप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से प्रभावित हुए हैं, जहां 10 एकड़ की खेती योग्य जमीन मिलने वाला था, लेकिन बांग्लादेश की आजादी के बाद केवल 5 एकड़ जमीन दी गई। लेकिन उन सभी प्रभावित लोगों को
उनका मुआवजा समय पर नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बंगाली शरणार्थियों को पैसे और अन्य सुविधाओं के साथ 5-5 एकड़ जमीन दी गई। यदि आदिवासी लोगों को समय पर मुआवजा एवं न्याय दिया जाता तो वे सरकार के विरोध कभी नहीं करते, जिसके चलते एमएन लर्मा और जुम्मा लोगों के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए पीसी जेएसएस और शांति वाहिनी का गठन किया गया। 1972 में पीसी जेएसएस का स्थापना किया गया और 1973 में पीसी जेएसएस की सशस्त्र शाखा शांति वाहिनी का स्थापना आतंकी हमले, बलात्कार, यातना, बंगाली वासियों और सशस्त्र बलों द्वारा लूटपाट के विरोध करने के इरादे से शांति वाहिनी का स्थापना किया गया था। एमएन लर्मा ने चिटिगा हिल ट्रैक से सभी जुम्मन लोगों के साथ जाकर मिले और उन्हें उनके अधिकार और बंगाली वासियों के खतरे से अवगत कराया। उन्होंने जुम्मो की अवधारणा सभी आदिवासियों को एक साथ लाने एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने के लिए दिया था। 1973 में शांति वाहिनी ने खुद को प्रशिक्षित किया। 1977 में उन्होंने बांग्लादेश की सेना पर अपना पहला हमला किया। जैसे ही संघर्ष तेज हुआ, सरकार ने गैर आदिवासियों की संख्या बढ़ाने एवं चिटिगा हिल ट्रैक्स के पहाड़ी लोगों के वर्चस्व को कमजोर करने के लिए चिटिगा हिल ट्रैक्स में बंगालियों को स्थानांतरित करना जोर शोर से शुरू कर दिए। 1979 में जनरल जियाउर रहमान ने बंगाली मुसलमानों को चिटिगा हिल ट्रैक्स में भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्से में हत्या, डकैती, चोरी के दोषी कैदियों को रिहा कर दिया और उन्हें चिटिगा हिल ट्रैक्स इलाकों में इकट्ठा कर दिया। ये लोग सरकार के संरक्षण के साथ लूटपाट और दंगे में लिप्त थे और सरकार द्वारा खुलेआम समर्थन दिया जाता था। गरीब आदिवासी लोगों ने डर के मारे अपनी जमीन और घर छोड़ दिए और जंगल में रहने लगे। 1980 के दशक में मूल निवासियों की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में बंगाली लोगों को बचाना शुरू कर दिया, जिसमें जियाउर रहमान की अगुवाई में हर बंगाली को 5-5 एकड़ जमीन के साथ साथ बड़ी धन दिया गया। एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 4 लाख बंगालियों को चिटिगा हिल ट्रैक्स में बचाया गया। सेनाओं का लगातार अत्याचार और सरकार द्वारा जुम्मा लोगों के अन्याय और शोषण के खिलाफ कोई उल्लेखनीय विरोध नहीं हुआ था। लोगों के भूमि और घरों को बाहरी मुसलमानों ने हड़प लिए थे। शांति वाहिनी ने अपने संचालन के क्षेत्र को क्षेत्र में विभाजित किया और मूल निवासी लोगों को सेना में भर्ती किया, जिन्हें औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया था। शांति वाहिनी ने अपने राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति का विरासत की रक्षा के लिए बंगाली पुलिस, सैनिक, सरकारी कार्यालयों और कर्मियों और क्षेत्र में बंगाली निवासियों पर हमला किया। जुम्मन लोगों ने अपने सशस्त्र प्रतिरोध को तेज किया तो सरकार ने एक सैन्य समाधान चुना और बांग्लादेश के सेना की लगभग एक तिहाई सेना को चिटिगा हिल ट्रैक्स में बेच दिया। बांग्लादेश सरकार ने शांति वाहिनी पर हावी होने का कई बार प्रयास किया और उन पर गोलीबारी एवं बमबारी की, लेकिन बांग्लादेश सरकार जंगल और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण शांति वाहिनी पर हावी होने में विफल रही। बांग्लादेश सरकार यह जानता था कि वे सैन्य तरीके से कभी भी नहीं जीतेंगे। बांग्लादेश के चिटिगा हिल ट्रैक्स के लोगों के मुद्दे को सुलझाने के लिए
सरकार पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव थे, इसलिए कई प्रयासों को उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू किया गया ताकि जीएसटी का सशस्त्र जर्पों को हल करने के लिए कोशिश किया जा सके। इस बीच चिटिगो हिल ट्रक्स में सेना द्वारा 300 से अधिक लोगों का हत्या एक बुद्ध विहार में प्रार्थना के दौरान किया गया। बहुत से लोगों ने सेनाओं द्वारा अत्याचार और बलात्कार का शिकार का सामना की। 1971 से लेकर 1988 तक चिटिगो हिल ट्रक के संकट के समाधान के लिए पीसी जेएसएस और सरकार के बीच कोई संवाद हुए। 89 में तत्कालीन राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार ने जिला परिषद अधिनियम पारित किया और स्थानीय लोगों को प्रतिनिधि लोगों के लिए शक्ति और जिम्मेदारी को विकसित करने के लिए स्थानीय सरकारी परिषदों के 3 संबंध बनाए, लेकिन परिषदों को यह अस्वीकार कर दिया क्योंकि पीसीजेएसएस द्वारा इसका विरोध किया गया था। यहां जुम्मा लोगों की मांगों और अधिकारों का कोई पूर्ति नहीं हुआ। 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के बाद शांति वार्ता शुरू की गई, लेकिन जियाउर रहमान के विधवा प्रधानमंत्री बेगम खलीदा और उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी सरकार के साथ बहुत कम प्रगति हुआ। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी अवामी लीग की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वार्ता का ताजा दौर शुरू हुआ, जिसके चलते 2 दिसंबर 1997 को शांति समझौता के अंतिम रूप दिया गया और संवैधानिक रूप से हस्ताक्षर किए गए, जिसके चलते 50,000 से भी अधिक चकमा समुदाय के लोग जो शरणार्थी बनकर भारत आए थे वे सभी लोग बांग्लादेश वापस चले गए। इसके बाद शांति वाहिनी विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल लिए और मुआवजा प्राप्त किया।